सो हमारी रेडीनेस और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस आज जो है बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर है। और अगर कभी कोई कारण या कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर हमारे को इसको अजमाने की ज़रूरत पड़े, तो आप एक अलग जो है प्रभाव जो है इसका देखें। Which otherwise we were not able to do by virtue of those fire engagements which used to take place on a very regular basis along the LC, वो सारी चीज़ें अभी हम जो हैं वो कर पाए हैं। सो हमारी रेडीनेस और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस आज जो है बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर है। और अगर कभी कोई कारण या कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर हमारे को इसको अजमाने की ज़रूरत पड़े, तो आप एक अलग जो है प्रभाव जो है इसका देखेंगे। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। जहां मैं पाकिस्तान से यह सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है, वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं? मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं, यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो 5 अक्टूबर 1948 की मैं चर्चा कर रहा हूं। इतिहास गवाह है जिन जिन शासकों और राज्यों ने, यहां तक कि जिन जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किए हैं, उन्हें आगे चलकर उसका भुगतान जरूर करना पड़ा है। पाकिस्तान भी 5 अक्टूबर 1948 में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.